आप सभी का स्वागत है नोटेक चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए नोटेक चैनल को सेट बटन को दबाकर और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आप सभी के क्वेश्चंस होते हैं कि J7 2015 को एंड्रॉइड नोगट का अपडेट कब मिलेगा। सो यहाँ पर J7 2015 को एंड्रॉइड नोगट का अपडेट मिल भी गया है आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में अभी तक नोगट का अपडेट रिलीज नहीं किया है सैमसंग की तरफ से। हालांकि अभी तक मैंने जो सबसे ज़्यादा रूमर्स देखे हैं वो सैमसंग गैलेक्सी J7 2015 मॉडल के देखे हैं कि उसको जो एंड्रॉइड नोगट का अपडेट अब मिल जाएगा 7.0 या सैमसंग एक्सपीरियंस 8.1। और यहाँ पर अब मैं आपसे एक बात फाइनल करना चाहता हूँ कि हमें जो है कंफर्म डेट नहीं बताई जाती है। अगर हमें पता होती है तो हम आपको बता देते, तुर्की की अपडेट लिस्ट थी और वो भी कंफर्म नहीं थी, आगे पीछे एक दो दिन हो रहे थे बार बार। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि 1 दिसंबर आ गई, अभी भी एंड्रॉइड नोट अपडेट J7 2015 में नहीं मिला है। सो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो मैंने रूमर्स देखे थे, जो मैंने आपको अपनी पिछली की वीडियोस में, जो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रूमर्स आ रहे हैं कि नवंबर के लास्ट में या फिर स्टार्टिंग दिसंबर की स्टार्टिंग में जो एंड्रॉइड नोगट का अपडेट रिलीज़ कर दिया जाएगा J7 2015 मॉडल के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रूमर्स जो आते हैं वो कंफर्म नहीं होते हैं, वो कहते हैं ऐसा हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा रूमर्स, सबसे ज़्यादा एंटू टू बेंचमार्क के स्कोर्स, काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन जो आई है वो सैमसंग का गैलेक्सी J7 2015 मॉडल ही है। बार बार इसका ऑफिशियल नाम, यहाँ तक कि एक्सिनोस का प्रोसेसर की भी इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जो है निकल कर आती ही रहती है, बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह सब कुछ निकल कर आ गया। बट अभी तक जो एंड्रॉइड नोगट का अपडेट इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, कुछ फोटोज़ भी लीक हुए थे J700M के, जिसके स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम टू सेम मतलब इंडियन वेरियंट वाले के मिलते हैं। बट फ्रेंड्स, उसकी ऐसी कोई कन्फर्मेशन या फिर कोई ऐसा आर्टिकल लिखा नहीं गया था कि सैमसंग गैलेक्सी J700M को एंड्रॉइड नोगट का अपडेट मिल गया है। हालांकि जो स्क्रीनशॉट्स लीक होकर आए थे वो मैंने आपको दिखाए थे, उसमें मॉडल नंबर था। और फ्रेंड्स, कोई भी यूट्यूबर उन स्क्रीनशॉट्स को देख के श्योर हो जाएगा कि J700M को जो एंड्रॉइड नोगट का अपडेट मिल गया है, जो कि उस पर साफ साफ लिखा था एंड्रॉइड 7.1 प्रोवाइड न्यू UX, सब तरीके के जो मतलब इन्फॉर्मेशन होती है एंड्रॉइड की, OS अपग्रेड की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी हुई थी। और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, तो मैंने वो वीडियो बनाई और उसके बारे में अभी तक कोई आर्टिकल मतलब कोई ऐसी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। हालांकि sammobile.com पर अभी तक कोई ऐसी फार्मवेयर रिलीज़ नहीं की गई है या अपलोड नहीं की गई है जिसमें जो एंड्रॉइड नोगट अपडेट हो J700M के लिए। तो मुझे जो है अब कंफर्म नहीं लग रहा है कि J700M को या J700F को एंड्रॉइड नोगट का अपडेट मिल जाएगा। और वैसे भी 2015 का मॉडल है और सैमसंग अपने फ्लैगशिप डिवाइस में 2 मेजर OS अपग्रेड प्रोवाइड कराता है और ये एक मिड रेंज डिवाइस है। बट फ्रेंड्स, हम कंफर्म मना नहीं कर सकते बिकॉज हो सकता है सैमसंग प्रोवाइड करा दे। बट देखते हैं फ्यूचर में सैमसंग गैलेक्सी J7 2015 को एंड्रॉइड नोगट के साथ में अपडेट करता है या नहीं करता है। इन माय ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप उम्मीद ना रखें, बिकॉज मुझे नहीं लगता J700F में एंड्रॉइड नोगट का अपडेट आएगा। सो अगर बाई चांस आ जाता है तो मैं आपको अपने चैनल पर एक वीडियो बना कर दे दूँगा, आपको नोटिफाई करा दूँगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर बैक मत जाइएगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।